न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग है मेरा बर्थडे स्पेशल व्लॉग। वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी अरेंजमेंट भी नहीं हुआ है एंड ऊपर से आज पूर्णिमा है तो इसलिए मेरा आज वेज है। तो घर पे कुछ अच्छे से कुछ और मतलब नॉनवेज आइटम तो कुछ बनेगा नहीं। तो वैसे दोपहर में थोड़ा सा फ्राइड राइस और पनीर का सब्जी खा ली थी। अभी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे हल्दीराम। हल्दीराम्स बाबीज भी आ रही है और पापा आया है जो मेरे भैया का बेटा। तो बोली की ठीक है चलो, क्योंकि वेज है, वेज खाना और कहाँ ही खाऊंगी। अच्छा मिलता है वेज खाना हल्दीराम्स में, तो इसलिए वहीं पे जा रही हूँ। एंड शायद शुरुमिता भी जाएगी, उसका भी थोड़ा तबीयत खराब है तो वो बोली कि बट आज जाएगी क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो बोली कि चलो थोड़ा सा मिल लेते हैं, तो उसको थोड़ा पिकअप कर लेना पड़ेगा उसका घर से। तो अभी मैं निकल रही हूँ एंड ये मेरा न्यू आउटफिट है बर्थडे का जो मैं पहले से खरीद के रखी थी। तो कुछ हो नहीं रहा था तो सोची थी कि शायद आज पहनूंगी नहीं, बट वही हल्दीराम से जा रही हूँ वाला पहन के। फटाफट से निकलते हैं। बहुत भीड़ है आज हल्दीराम्स में, पता नहीं आज अच्छा सैटरडे है इसलिए वीकेंड में ज्यादा भीड़ होता है हल्दीराम्स। मेरा यहाँ का फेवरेट है ये वेज बिरयानी। पापा तो एक मसाला डोसा ले लिया है, बहुत ही बड़ा साइज का देता है डोसा। अभी बस ये स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ, बट हाँ ठीक है वो अकेले ख़त्म कर लेगा डोसा को। और दीदी भी ली है एक डोसा एंड शुरुमिता ली है कुछ एक पुलाव का कॉम्बो जिसमें पनीर भी है। इसको अच्छा लगा है डोसा। एंड दिस इज़ माई फेवरेट वेज बिरयानी, इसका भी क्वान्टिटी अच्छा देता है। सब लोग यहाँ पे खाना पे टूट पड़े हैं, अपना अपना खाना में पूरा बिजी है। मैं उठ के थोड़ा सा भी वीडियो ले रही हूँ, थैंक यू। एंड ठीक है तो मैं थोड़ा सा वीडियो ले ली हूँ क्योंकि खाते खाते नहीं कर पा रही एक साथ बैठ के। एंड शुरू है टेस्टिंग एक्सपर्ट, इसलिए हर किसी का थाली से वो थोड़ा थोड़ा करके पहले टेस्ट करके देखेगी। अपना खाना छोड़ के पहले भी टेस्टिंग में बिजी है, तभी डोसा टेस्ट कर रही है, इसके बाद बोली कि वेज बिरयानी भी ट्राई करिए। लेकिन बोलती है कि बिरयानी वेज भी होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ का वेज बिरयानी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैं एक और ये चाइनीज़ वाला थाली लेके आई हूँ क्योंकि ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। और इसके पहले मैं और बाबी शेयर करके खाई वो वाला बिरयानी, बट वो खा के पेट मेरा ऑलमोस्ट भर गया था, बट मन नहीं भरा था, तो ये वाला भी ले आई। ये वाला भी शेयर करके खाएंगे, मैं बाबी हम लोग भी शेयर करके पापा को भी थोड़ा कर देंगे, थोड़ा करके खा लेंगे। हो गया हम लोग का खाना आज के लिए। अभी वापस घर ही जा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी जाके अभी केक कटिंग करना है। बाबी जाइए इतना लेट से, केक थोड़ा लेट से आया है एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट 10 बजे घर पहुँचेंगे, फिर जाके अभी केक कटिंग होगा। एंड यहाँ पे काटने को बोल रही थी लेकिन घर में मम्मी मासी सब कोई घर में है तो इसलिए घर जाके ही काटूंगा। थोड़ी दिली हवाई का लगा दीजिए। अभी केक कटिंग के अरेंजमेंट लग गए हैं बाबीज और पापा दोनों ही, और सब कोई आगे है रूम में, मामूनी दीदी मासी भी है। সবাই বলবে ফটো তুলিস না, তো ফটোটা কার হবে, শুধু একা আমার? অবশ্যই তোর জন্মদিন। এই সবার হবে।
अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।